चलो गाइस, आज मैं शेयर करने वाला हूँ बहुत ही जरूरी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए। अगर आप भी किसी भी शॉप से भाई सेकंड हैंड आईफोन परचेस कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए। मैं आपको हर एक चीज़ बताने वाला हूँ कि आईफोन जेन्यून है या नहीं, आईफोन में कोई भी पार्ट्स चेंज हुआ या नहीं, अगर पार्ट्स चेंज हुए तो वो जेन्यून पार्ट्स है या लोकल शॉप से रिपेयर है, वो सब चीज़ आपको बताने वाला हूँ इसी वीडियो में। तो भाई अंत तक बने रहना इसी वीडियो में, ये बहुत ही ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है। आप किसी भी शॉप में आईफोन परचेस करने जा रहे हो वो भी सेकंड हैंड में, तो ये वीडियो बहुत ही काम आने वाली है आप सबके लिए। गाइस, अगर आप भी सेकंड हैंड आईफोन परचेस करने जा रहे हो तो आपको कौन सी चीज़ें ध्यान में रखनी है, सबसे पहले बताता हूँ। आईफोन में सबसे पहले आपको जाना है भाई सेटिंग में, सेटिंग के अंदर आपको जाना है जनरल में, और जनरल में आपको मिलेगा अबाउट, वहाँ पे जाना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये चेक करना है कि आईफोन मैन्युफैक्चर्ड है, रिप्लेस यूनिट है या रिफर्बिश है। वो चेक करने के लिए आपको सबसे पहले यहाँ पे दिखने वाला है मॉडल नेम। एम का मतलब ये होने वाला है कि कंपनी मैन्युफैक्चर्ड पीस है, रिप्लेस नहीं है ना ही रिफर्बिश्ड है, बिल्कुल जेन्युइन कंपनी मैन्युफैक्चर पीस है। अगर एम की जगह पे आपको एन दिखे तो एन का मतलब ये है फ़ोन बिल्कुल जेन्युइन है लेकिन कंपनी केयर से रिप्लेस होके आया हुआ डिवाइस है, अगर आपको वहाँ पे एन की साइन आ रही। और उसमें भी आपको एम और एन दोनों ही ना दिखे तो तीसरा ऑप्शन आने वाला है एफ़ का। अगर आपको एफ दिखने वाला है मॉडल नेम में सबसे पहले, तो वो फ़ोन है भाई रिफर्बिश, वो जेन्युइन आईफोन नहीं है, वो रिफर्बिश्ड आईफोन है, तो वो आईफोन आपको परचेस नहीं करना चाहिए। तो ये थी मेरी भाई सबसे पहली इन्फॉर्मेशन। तो गाइस, दूसरी इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि अगर किसी भी आईफोन में कोई भी पार्ट चेंज है वो तो कैसे पता चलेगा कि भाई जेन्युइन पार्ट है या अननोन पार्ट है, या फिर कौन सा पार्ट इस आईफोन में चेंज है जो आप आईफोन परचेस कर रहे हो, वो कैसे पता लगाना है। तो उसका सबसे सही तरीका है, सबसे पहले आपको जाना है फिर से सेटिंग में, सेटिंग में जाना है जनरल में, और जनरल में जाना है भाई अबाउट में। तो वहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलने वाला है पार्ट्स एंड सर्विस हिस्ट्री, वहाँ पे आप इस फोन में देख सकते हो इसमें डिस्प्ले रिप्लेस है, और डिस्प्ले यहाँ पे लिखा हुआ है और साइड में लिखा है जेन्युइन एप्पल पार्ट। और एक फ़ोन है मेरे पास आईफोन 13, उसमें भी डिस्प्ले चेंज है लेकिन ये जी डिस्प्ले है उसमें लिखा हुआ है अननोन पार्ट। आपको दोनों फ़ोन के जो स्क्रीनशॉट है वो स्क्रीन पे दिख रहे होंगे, तो एक में लिखा हुआ है डिस्प्ले जेन्युइन पार्ट और एक में लिखा हुआ है डिस्प्ले अननोन पार्ट। इसका मतलब ये है जो जेन्युइन पार्ट वाली डिस्प्ले वो कंपनी केयर से रिप्लेस होके आई है, उसमें वारंटी में भी आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, और अगर आप अपना आईफोन फिर से रीसेल करोगे तो उसमें भी प्राइस में कोई कटौती नहीं होगी भाई। और जो अननोन पार्ट वाली डिस्प्ले है वो केयर से रिप्लेस नहीं है, वो किसी भी लोकल शॉप से रिप्लेस कराई हुई डिस्प्ले है, डुप्लीकेट डिस्प्ले। और जब आप रीसेल करने जाओगे तो भाई जेन्युइन पार्ट से काफ़ी कम प्राइस आपको इसके मिलने वाले। तो सबसे पहला ऑप्शन ये है भाई, सिर्फ डिस्प्ले नहीं, डिस्प्ले ले लो, कैमरा ले लो, फिर बैटरी ले लो, कोई भी अगर पार्ट्स आपके फ़ोन में चेंज है, जेन्युइन लिखा आ रहा है कोई दिक्कत नहीं, आप परचेस कर सकते हो, अननोन लिखा आ रहा है उसमें भी कोई दिक्कत नहीं लेकिन वो लोकल शॉप से भाई रिपेयर करा हुआ फ़ोन है, तो ये चीज़ खास आप लोगों को चेक करनी है किसी भी आईफोन में। चलो गाइस, तीसरी चीज़ आपको बताने वाला हूँ सबसे ज़रूरी, अगर आप कोई भी आईफोन परचेस कर रहे हो और बैटरी में आपको कोई भी डाउट लगता है कि मतलब मान लो एक साल या डेढ़ साल पुराना फ़ोन है और अभी भी बैटरी 100% दिखा रही है, तो उसका सबसे सही तरीका है भाई चेक करने का, वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। सबसे पहले भाई आपको ज़रूरत पड़ने वाली है पीसी या फिर लैपटॉप की, फिर उसमें एक ऐप है 3U टूल करके, उस ऐप का हम यहाँ पे इस्तेमाल करने वाले हैं, तो मैं आपको इसमें दिखाने वाला हूँ। सबसे पहले हम अपना फ़ोन कनेक्ट कर लेते हैं इसमें। अब आप देख रहे हो फ़ोन कनेक्ट हो चुका है, आपको यहाँ पे ट्रस्ट पे क्लिक कर देना है, फिर आपके सामने भाई यहाँ पे ओपन करना है 3U टूल। तो 3U टूल जब भी आप ओपन करने वाले हो तो यहाँ पे आपको दिखने वाली है भाई बैटरी लाइफ। तो मान लो आपने इसमें 100% दिख रही है और यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है 89, तो मान लो ये बैटरी बूस्ट है। अगर आपके फ़ोन में बैटरी में जाओगे 100% दिख रही है और इस सॉफ्टवेयर में दिखा रही है 89, तो आप समझ लेना इस फ़ोन की बैटरी बूस्ट करी हुई है, जेन्युइन बैटरी नहीं है भाई। काफ़ी सारे लोग ये चीट कर रहे हैं मार्केट में कि बूस्ट करके 100% बैटरी करके कस्टमर को बेवकूफ बना दे, तो यह सबसे आसान तरीका है 3U टूल करके ऐप है, उसका आप इस्तेमाल कर सकते हो और पता कर सकते हो कि आपकी भी बैटरी बूस्ट है या फिर जेन्युइन है।
तो भाई ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको चेक करनी है, आप किसी भी शॉप पे आईफोन परचेस करने जा रहे हो। अगर आपको ये वीडियो सही लगा, अच्छा लगा, तो आप भी अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। अगर वो भी आईफोन लेने जाए तो ये इन्फॉर्मेशन सबसे पहले चेक करें। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, और आप भी चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना।